सीपीआईएमएल वालों के लिए लोगों ने लाठी डंडे खाए, आज वही सीपीआई वाले लालू की लालटेन को अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान एक आमसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी और लालू अकेले नहीं हैं। जिस सीपीआईएमएल के लिए आप लोगों ने लाठी डंडे खाए, आज वही सीपीआईएमएल लालू यादव की लालटेन को अपने सिर पर लेकर चल रही है। अब आप ही बताइए कि इस तरह कैसे बिहार की दशा सुधरेगी। बिहार के गांवों में हम यही बताने के लिए आए हैं कि आपको यह समझना होगा कि कोई आपकी दशा को नहीं बदल सकता जब तक आप खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे। यदि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचिए। यदि आप धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट करेंगे तो जिस गरीबी और बदहाली में आपका जीवन बीता है, आपके बच्चों का भविष्य भी उसी गरीब और बदहाली में गुजरेगा। आज बिहार में कोई जाति के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया है, कोई धर्म का नाम पर बन गया है। आप सोचिए कि आपके बच्चों की चिंता कौन करेगा। आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 50 सालों से आपके और आपके बच्चों की क्या स्थिति बनी हुई है। जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया है, कोई धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गई बात। राहुल लड़का की चिंता के कोई न करी यही दरवाजा देखी 50 वर्ष से यही दुर्दशा में मर रहा है। सीपीआईएमएल के जो लोग बावन मोदी जी या लालू जी अकेले नहीं कौन रघुआ लाठी डंडा कोई खून बहवैली और आज उसी लालटेन के लोग को लेकर अपने सर पर घूम रहे हैं। कैसे सुधरी राहुल लेकर के चिंता के पर यही बताने के लिए घर घर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सबको। अरे भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए और नहीं सुधरिएगा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर अगर वोट देते रहिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों का भी जिंदगी उसी गरीबी बदहाली में बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आई मान बड़ा होशियार मान भैया रोग सुधारी। अभी मामा कहलो उनकी जेकरे के प्रशांत किशोर चाहता है वही जीत जाता है। हमारे पास जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास जीतने का एक ही फॉर्मूला है। हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने जो सिखाया कि जौन काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत से कीजिए, जीत उसी से मिलेगी।